नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, पुनर्बार आपण मानकु जीवंत आहार कार्यक्रम निमन्ते स्वागत जणाए। आजिर ध्यान निमन्ते पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रथम सामुएल 26 अध्याय 1 पदरु 12 पद पर्यंत पाठ करिबा। एठारे मुख्य प्रसंग हैला विचार परमेश्वरंक हस्तरे। एठारे एपरि लेखा जाए, अनंतर सिफियो माने गिबियाकु साउलंक कतिकि आसी कहिले, दाऊद कौन मरुभूमि सम्मुखस्थ हकिला पर्वतरे आपणा को लुचाए नाही। एथिरे साउल उठी सिप प्रांतरे दाऊद को खोजिबा इस्राएल 300 बच्छा लोक संगे नहीं सिप प्रांतर को गले। पुणी साउल पथ पार्श्वरे मरुभूमि सम्मुखस्थ हकिला पर्वतरे छावनी स्थापन कले। मात्र दाऊद प्रांतरे बास करुथिले, पुणी साउल तांको पछे पछे प्रांतर को आसी अछंती एहा से देखिले। एणु दाऊद चोर पठाई साउल निश्चय आसी अछंती बोली जानिले। एथिरे दाऊद उठी साउलंकर छाउनी स्थान को आसिले। आउ दाऊद साउलंकर ओ तांको सेनापति नरर पुत्र अब्नरर शयन स्थान देखिले। साउल सगड़बंदी स्थान मध्यरे सोइथिले ओ तांकर चारियाडे लोक माने छाउनी करथिले। एथिरे दाऊद हित्य अहिमेलक को ओ सरुआर पुत्र जयाबर भ्राता अभिषय को उत्तर दे कहिले, मो संगरे छाउनी की साउल निकट को किए जीव। तहिरे अभिषय कहिला, मु तुम्भ संगे जीवी। तहु रात्रि बेले दाऊद ओ अभिषय लोक मानक निकट को गले। आउ देख साउल सगड़बंदी स्थान मध्यरे शयन करी निद्रित होई अछंती। तांकर बर्छा तांकर मस्तक पाखरे भूमि रे मरा होई अछि। पुणी अब्नर ओ लोक माने तांकर चारियाडे सोई अछंती। सेतेबेले अभिषय दाऊदंक कहिला, परमेश्वर आजि आपणंक शत्रु को आपणंक हस्तरे समर्पण करि अछंती। एणु एबे एही बर्छारे तांकु आघात करी एका थरके भूमि रे विद्ध करबा को मते अनुमति देउंतु, मु तांकु दुई थरो आघात करबि नाही। एथिरे दाऊद अभिषेक को कहिले, तांकु विनाश कर नाही, कारण सदाप्रभु को अभिषेक तर प्रतिकूल रे किए हस्त विस्तार करी निर्दोष होइ पारे। आउरी दाऊद कहिले, सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे सदाप्रभु ही तांकु आघात करिवे, अबा तांकर मरण दिन उपस्थित हेबो, किंवा से युद्ध को जाई विनष्ट हेबे। मुझे सदाप्रभु अभिषिक्त प्रतिकूल रे हस्त विस्तार करी, यह सदाप्रभु मो ठारु दूर करंतु। मात्र तुम्हे तांको मस्तक पाखरु बर्छा ओ जलपात्र नहीं आस, आम माने जीवा। तौ दाऊद साउलंकर मस्तक पाखरु बर्छा ओ जलपात्र नेले ओ सेमाने बाहरी गले। मात्र समस्ते निद्रित थिबारु केही ताहा देखिला नाही कि जानिला नाही कि केही जागिला नाही, कारण समस्ते निद्रित थिले, जेहेतु सदाप्रभु सेमानकु घोर निद्राग्रस्त करथिले। प्रिय दर्शक बंधु, पठित शास्त्रांश को आम माने बुझिबा। दाऊद राजा हेबे बोली साउल घोषणा कले। पुनर्बार साउल सिफियोमरु प्रांतररे दाऊदंकु गोडाइले, जेपरी एन गदी रे दाऊदंक सम्मुखरे साउल प्रदर्शित होइथिले, सेहिपरी एथर मध्य घोर निद्रा रे थिबा समय रे साउल दाऊदंक सम्मुखरे देखा गले। दाऊदंकर अनुगत अवसाई साउलंकु हत्या करिबा निमन्ते इच्छा प्रकाश कले, किंतु दाऊद अनुमति देले नाही, कारण नाबलंक घटना द्वारा दाऊद बुझी पारिले जे प्रतिशोध परमेश्वर नियंती। जेपरी गुंफारे दाऊद साउलंक वस्त्रर किछि भाग काटी नै थिले, एई थर साउलंकर बर्छा ओ पाणी धरिबार पात्र नै गले। आसु प्रिय दर्शक बंधु, ईश्वरंक प्रकाशन देखिबा।
एठारे परमेश्वर साउलंकर सेना को घोर निद्रा रे निद्रागत कराइले। दाऊद जेपरी साउलंक हत्या न करती सेति निमन्ते परमेश्वर दाऊदंक हृदय रे कथा कहिले। दाऊद जेपरी परिस्थिति रे थिले कौन तुमर मध्य सेपरी समस्या गुड़ाक अछि कि परमेश्वरंक ठारे भरोसा रखंतु। परमेश्वर समस्त विषय अल्प समय मध्य रे परिस्थिति सहित बदलाइ पारंती। एणु आसु एई समस्त पाठ करथिबा शास्त्रांशरु ईश्वर आमानंकु कौन सिखांती ताहा जे आमाने सिखिबा। साउल निजर सैन्य मानंक द्वारा चारिपटे बेष्टित होइ शयन कले। साउल निज मुंड पाखरे बर्छा भूमि रे मरा होइ अछि। पुणी अबनर ओ लोक माने तांकर चारियाडे सोइ अछन्ति। साउलंकर एई जेउ दृश्य जहाँकि साउल परमेश्वरंक परिवर्ते बर्छा उपरे निर्भर करिबा दुखदायक अटे। जेउं समस्त विषय अल्प समय परे अदृश्य होइ जीव एपरी विषय उपरे आमे निर्भर ओ भरोसा न करू। परमेश्वरंक व्यतीत कौनसी विषय किंबा कौनसी व्यक्ति आमानंकु निरापदरे रखी पारिबो नाही। प्रभु आमानंकु समस्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा। प्रिय धार्मिक पिता, मु निज बल बुद्धि उपरे निर्भर न रखी तुम उपरे तुम वाक्य उपरे तुम शक्ति उपरे तुम साहाज्य उपरे भरोसा रखिबी। साहाज्य करंतु। जीशुंक नाम रे मागुछ पिता, आमेन।